हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे। पहले आप सबको फूल दिखा देते हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, प्यारे प्यारे, कितने अच्छे हो रहे हैं पौधे सारे ही, और कितने अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। तो आप सबको वीडियो पसंद आने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट भी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये फूल कैसे लग रहे हैं सारे ही, ये भी बताइएगा कमेंट करके। गमले काफ़ी सारे हो रहे हैं। अभी मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत था मेरा। काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो पूर्णिमा का, क्योंकि इससे पहले वीडियो गई है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने गोपाल जी को बिठा लिया है और सारी तैयारी कर लिया, कसार भी बना लिया है और पंचामृत भी बना लिया है। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। कोई सा भी बच्चा नहीं था यहाँ पे, फिर मुझे वीडियो भी खुद ही बनानी पड़ रही है, और कैमरे पर बार बार वो करना पड़ रहा है, कैमरा तो अच्छा हो रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और चलिए तो पहले पूजा कर लेते हैं। कैसे कैसे बैठोगी कान्हा जी? भी बंटी जा रही है मूंगफली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अभी सारा काम हो चुका है, अब खा रहे हैं मूंगफली। मम्मी बांध रही है सबको। ले बाबा जी की मूंगफली भी धरी थी। खोल कर ले, खाली खा जाए। नहीं चाचू जी ओम फो, चाचू ओम फो, ओम फो बड़ी अखबार पर गिरे हम, पता नहीं क्या आदत। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो ये वैसे तो सूख नहीं रहे, दो तीन दिन से फैलाए जा रहे हैं इन्हें, पर सूखा एक भी नहीं इनमें से, सारे गिल्ले से लग रहे हैं। तो अभी मैं इनको प्रेस करके सिंगवा दूंगी, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे कई दिनों तक, सूखने वाले जब भी नहीं, कुछ बंदरों की वजह से ज़्यादा देर तक नहीं फैला सकते। तो इन्हें मैं अभी प्रेस करके सारों को ही उठा के रख दूँगी और इनका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर बन रही है दाल मिक्स करके, तो मैं अभी छोंक बना रही हूँ। छोंक ब्राउन सा होने लगा है, अभी मैं इसमें मसाले डाल के फिर टमाटर डाल दूंगी। टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो अभी ये अच्छे से इसमें पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, क्योंकि पहले ही मैंने इसको बारीक कर लिया है। तो अभी छोंक मेरा खूब अच्छे से हो चुका है, ये सूखे मसाले इसमें डाल के फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी टमाटर को, और फिर दाल को फ्राई कर दूँगी। दाल मिक्स वाली बनाई है, सब मिला के, उड़द की,
मूंग की, मसूर की, चने की, अरहर की सारी दाल मैंने एक जगह मिक्स करके बनाई है और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी, सबको पसंद आई। आज तो ऐसा हुआ कि जितनी बनाई थी वो साथ के साथ ही ख़त्म होगी। सभी ने दो बार ली थी और बस अभी मैं इसको छोंक लेती हूँ और गाजर का हलवा बनेगा आज। गाजर का हलवा भी बन चुका है तो आप सब सोचेंगे कि इतना जल्दी जल्दी हलवा बन रहा है। इसकी मैंने पूरी वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि पहले भी मैं कई बार आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं इसमें मावा मिला रही थी, गाजर का हलवा बना है सकट के लिए और ये जाएगा कोथली पे, अंतिम दीदी कोथली जाएगी छुचक के साथ ही, तो उसके लिए बनाया है और काफ़ी टेस्टी बना है, देखने से पता चल रहा है। आ जाइए आप सब भी हलवा खा लीजिए, गरम गरम है अभी तो। तो अभी मैं इसमें मावा मिला के इसको रख दूँगी, फिर एक बर्तन में करके जो जाने का है उसको अलग कर लूँगी और जो बच्चे खाएंगे यहाँ पे उसको अलग कर लूँगी। कान्हा जी को भोग लगा दिया है। तो फ्रेंड्स सारा काम हमारा हो चुका है, शाम का खाना सबने खा लिया था और बर्तन देखिए कितने सारे हो रहे हैं। आज तो मोनिका धो रही थी, फिर मैंने कहा तुम धोना और मैं इनको मांज दूँगी। गर्म पानी लिया है, गर्म पानी से तो ऐसे ही धुलते हैं वहाँ पे, तो उसमें सिंक में तो नहीं धो पाते ऐसे क्योंकि वहाँ पे पानी बार बार कौन लेके जाए। तो इसी वजह से फिर हमने सारे बर्तन यहीं रख लिए थे। मैं मांज रही हूँ, मोनिका धो रही है, गर्म गर्म पानी है, ऐसे मन भी लगता है वैसे। और जब दो जने लगे हों तो काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये अकेले ही मांजती धोती तो बहुत टाइम लग जाता, मैंने सोचा लेट भी हो रहा है और फिर सर्दी का मौसम है, सर्दी भी लगती है, तो फिर सारा काम निपटा के अपना कपड़े में बैठेंगे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दोनों ने हमने एक दूसरे की हेल्प की तो काम हमारा फटाफट से हो गया था। और अभी गर्म पानी का वैसे फ़ायदा तभी है जब हम ऐसे बर्तन धोएं, वैसे तो आलकस आता है सबको लेने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे? तो मैंने वीडियो आज शाम से शुरू की है तो आप सबको वीडियो पसंद नहीं आ रही, पर फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ मेहनत करने के लिए, कभी ना कभी तो आऊँगी। वैसा हाई फाई बना मैंने जब गेम की चला तो एक मल्टी वीडियो वो है, लेको तू कहां जा रहा है? लेको घर जाऊं यार, भैंस का दूध काट दूंगा। लेको तू तो भैंस का दूध ही खड़ा खाओ के काटता हूं, कहना मुझे खड़ा होने की क्या जरूरत है, जब भैंस बैठ जाओ तो जब काट दूं तो चलो वो ले लो बाहर फ्लैट, वहां की बनाऊंगे, है ना भाई? तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारी तैयारी करनी है क्योंकि पी लिया जाएगा, यानी कि छुचक हमारे यहाँ केका बोलते हैं, उसकी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, कल बहुत ज़्यादा काम रहेगा। तो चलिए फिर अभी मैं अपना व्लॉग कल सुबह से स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी हेलो और यू कर लेते हैं क्योंकि आज काफ़ी लेट वीडियो गई है मेरी, उससे बाद में फिर आप सबसे कोई बात नहीं हो पाई, वीडियो को लेट हो गया था आज, पता नहीं कुछ काम की वजह से लेट हो जाता है और फिर इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी वजह से हो गया थोड़ा सा। तो चलिए इस वीडियो को जो मेरी जा चुकी है फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट भी, और वीडियो को पूरा ही देखिएगा, अच्छी वीडियो है काफ़ी। तो ये वीडियो मैंने सुबह से शुरू की है, मैंने कल वीडियो का एंड नहीं किया था क्योंकि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी सुबह से स्टार्ट करूँगी। तो कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि आपने वीडियो का एंड कर दिया था, उसके बाद भी फिर से वीडियो शुरू हो गई सुबह से, तो मैंने इसी वजह से शाम थोड़ी सी बातें की थी आप सबसे। तो अभी सुबह से मैं अपनी वीडियो को शुरू कर रही हूँ, चूल्हे की राख निकाल ली थी, झाड़ू लग चुकी है सारे में, और जो सुबह का काम था चाय का, मम्मी पापा जी चाय पीते हैं वो भी दे दी थी, बादाम भी दे दिए थे, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई और अभी मैं चूल्हा लीप रही हूँ, राख निकाल ली थी इसकी, कोहरा बहुत है, सर्दी बहुत है आज भी, रोज़ ही सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही, अगले दिन सोचते हैं कि कुछ कम होगी सर्दी, धूप निकल जाएगी, पर अगले दिन भी फिर यही हाल रहता है सर्दी का। तो अभी मैंने यहाँ पे मिट्टी में गर्म पानी डाल लिया था क्योंकि टैंक का पानी बहुत ठंडा रहता है, तो मैं फिर आराम से इसको चूल्हे को लीप रही हूँ, अगर ठंडा पानी होता तो फिर मेरा मन भी नहीं करता इसको लीपने का, तो मैंने इसमें डब्बे में गर्म पानी डाल रखा है, मिट्टी कम है वैसे, मिट्टी और चाहिए थी,
कोई बात नहीं, इसी में ही लीप लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिन काला ही पड़ा रहेगा चूल्हा अगर मिट्टी का इंतज़ार करेंगे। अभी तो बस ये चूल्हा जहाँ जहाँ तक है वहीं तक ही लीपते हैं। पहले तो जहाँ इसके बराबर में भी दूर तक लीपते थे, कहते थे कि चूल्हा कभी भी छोटा नहीं लीपना चाहिए, बड़ा करके दूर तक लीपना चाहिए। पर अब तो सबके यहाँ फर्श हैं तो सब ऐसे ही चूल्हा छोटा ही बनाते हैं और फिर उसको लीपते भी ऐसे ही हैं, नीचे तो कोई काम ही नहीं रह जाता, तो कुछ छींटे नीचे भी गिर जाते हैं जब चूल्हा लीपते हैं। अभी मैं उनको साफ़ कर दूँगी पोछे से, क्योंकि फिर ये पैरों पे लग के जाएंगे, दूर तक गंदा होगा। तो बस चूल्हा मेरा लीप चुका है, अब मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी जहाँ जहाँ पर भी छींटे पड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी नाश्ता ही बनाना है सुबह का, और नीचे झाड़ू भी लगाने जाना है। ऊपर तो लग गई, वो नीचे रह रही है। नाश्ता बना के और सबको करा के अपने आप भी करके मैं फिर नीचे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। अभी रूम में कपड़े भी बिस्तर भी ऐसे पड़े हुए थे क्योंकि बच्चे लेट तक सोते हैं, तो सारे बिस्तर भी सिंगवाए। उसके बाद फिर बैठक में अच्छे से डस्टिंग की, झाड़ू लगाई, और अभी यहाँ पे लगानी रह रही है। बस सारे में लग चुकी है, यहीं पे रह रहा है बस बाहर। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर का काम देखेंगे, क्योंकि आज कपड़ा भी फैलाना है, छूचक जाएगा तो उससे पहले दिखावा होता है, तो सारा कपड़ा भी फैलाना है जाके, वो भी देखना है कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं। मम्मी बोल भी रही थी कि कपड़े भी लगाने हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा लो अपना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाकी की नेक्स्ट वीडियो आप सबको मिलेगी कल। तो कल भी वीडियो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है तेज़ी रफ्तार से।